नमस्ते, मैं हूँ अनुपमा और आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने घर की जो वेस्ट चीज़ें हैं, अपने किचन की जो वेस्ट चीज़ें हैं, उनको कैसे रीपर्पस कर सकते हैं अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल रॉ फॉर्म में दिखाई है, मतलब किसी चीज़ को डेकोरेट करने का मैंने नहीं बताया, सिंपल तरीका बताया जो कि कोई भी कर सकता है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो भी कर सकता है। बस जो चीज़ हमारे पास जैसे हैं उसको उसी फॉर्म में यूज़ करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, कप बॉक्सेस। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम लोग कप जो भी ख़रीदते हैं, कप ग्लास या कुछ भी इस टाइप की चीज़ें जिसमें इस टाइप के पार्टीशन वाले बॉक्स होते हैं, तो अक्सर हम उन्हें फेंक देते हैं, लेकिन आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी मॉडिफ़िकेशन के। इसको आप अपने वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है कप ऑर्गेनाइज़र या कप का बॉक्स, तो इसको लिड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, विदाउट लिड भी यूज़ कर सकते हैं इसको ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र की तरह। और मैं आपको इसका एक यूज़ बताने वाली हूँ। जैसे मैं इसको ड्रॉअर के अंदर रख रही हूँ और जो इसके बीच में पार्टीशन है उसको आप चिपका भी सकते हैं। और ये थर्माकोल में भी आता है, इस टाइप के कार्डबोर्ड में भी आता है, बहुत तरह के बॉक्सेज आते हैं जिसमें ऑलरेडी पार्टीशन बने होते हैं। तो जैसे इसमें मैं बैंगल रख रही हूँ, आप इसमें इनर वियर रख सकते हैं अपने ड्रॉअर में, अपने वार्डरोब में डाल के स्टेशनरी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। किचन में छोटी बहुत चीज़ें होती हैं उनको ड्रॉअर में ये डाल के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने का खर्चा बच गया और जो किचन की वेस्ट चीज़ थी उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बैंगल्स रखे हैं, आप अपने हिसाब से जो मन करे रख सकते हैं और आराम से जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी वो उसी जगह पर मिलेगी, मिक्स नहीं होगी। नहीं तो अगर हम ऐसे रख देते तो ऑब्वियसली मिक्स हो जाती। आप अपने हिसाब से जो मन करे रख सकते हैं। ये मैंने बहुत सारे ड्रॉर्स में रखे हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स। नंबर टू, टिन कंटेनर्स। जी हाँ, टिन कंटेनर्स आपको बहुत सारी चीज़ों मिल जाएगा, जैसे रसगुल्ले में और मिठाइयाँ आती हैं और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें टिन कंटेनर आता है। तो जैसे ये मैंने इस टाइप से प्लांटर बनाया है, इसको पेंट करके आप बना सकते हैं या इसके ऊपर कुछ चिपका सकते हैं, या अगर आपको छत वगैरह पे रखना है तो आप इसको बिना पेंट के भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लांटर ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, ये आप देख सकते हैं, ये भी मैंने पेंट करके बनाया है। तो वेस्ट चीज़ को बहुत इजीली मैंने यूज़ किया है। और उसके बाद ये जो यहाँ पे ग्रीन सा बॉक्स पड़ा है, ये एक्चुअली ग्रीन टी का बॉक्स है, इसको भी मैं दिखा देती हूँ। मैंने इसको रॉ यूज़ किया है, कुछ भी इसको डेकोरेट नहीं किया है। ये वुडन बॉक्स है, इसमें जो चेंज और कॉइन्स वगैरह रखे हैं, जो भी कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है तो यहीं पे रख देते हैं। नंबर थ्री, हैवी ओल्ड दुपट्टा। हम लोगों में से बहुत लोगों के पास ओल्ड दुपट्टा होता है, और जैसे अगर आप लोगों के दिमाग में कभी आता है कि घर को कैसे डेकोरेट करें फेस्टिवल्स वगैरह में बिना खर्चे के, बिना एक्स्ट्रा खर्च किए हुए, तो जैसे मेरे पास ये दुपट्टा है, ये फुलकारी वर्क है, हैंड वर्क है ये, और इस टाइप के मिलता जुलता दुपट्टे का मैं आपको लिंक दे दूंगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा मिलना मुश्किल है। बहुत पुराना दुपट्टा है ये, 12 से 15 साल होगा, मे बी उससे भी ज़्यादा पुराना। तो ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। तो इसको आप टेबल रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बेड रनर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इवन इसको वॉल पर हैंग कर सकते हैं, पूरा वॉल की लुक ये चेंज कर देता है। तो मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है इसको। और जैसे कि बोर हो चुके हैं, अगर आप दुपट्टा ओढ़ ओढ़ के बहुत यूज़ कर लिया है तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। खैर, मैं इस दुपट्टे से अभी तक बोर नहीं हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट दुपट्टा है ये। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल से स्पेस को कितना ज़्यादा अच्छा बना देता है। और मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा क्या, मैंने डेकोरेशन कर ही नहीं रखा है, बहुत सिंपल है। तो उसमें अगर छोटा सा मैं कुछ ऐड कर देती हूँ, ये चमकता हुआ दुपट्टा, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो फेस्टिवल्स वगैरह में आप इस टाइप की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई स्टिचिंग नहीं करनी है, इवन कि बेड रनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे मैंने ऐसे भी करके आपको दिखा दिया कि बॉर्डर के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं और उल्टे साइड से भी लगा सकते हैं। तो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। नंबर फोर, ओल्ड ग्लास एंड प्लेट्स। जैसे कई बार ऐसा होता है, कांच के जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, जैसे इसको जो मैंने डेकोरेट किया है, इसके ऊपर मैंने ये जो पेबल्स टाइप के होते हैं वो चिपकाए हुए हैं ग्लू गन से, या फेविक्विक या किसी भी चीज़ से चिपका सकते हैं। तो फेस्टिवल के लिए अगर आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लें तो अच्छा लगेगा, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और दिवाली में या और भी कोई फेस्टिवल हो उसमें आप
इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर कैंडल जला सकते हैं। तो और ये जो प्लेट थी इसके पीछे मैंने गोल्ड पेंट किया है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन वाली प्लेट थी और बाकी सब टूट गई है, तो मैंने एक प्लेट बची थी और ये ग्लास बचा था, इसका एक दो बच्चे होंगे बाकी सब टूट गए। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं बिना एक्स्ट्रा पैसा खर्च किए हुए, आपके घर को सुंदर भी बनाएगा और ये भी आपके को नहीं लगेगा कि हाँ आपने बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए। क्योंकि इस टाइप का अगर शोपीस आप मार्केट से लेते हैं तो ऑब्वियसली अच्छे खासे पैसे लग जाएंगे, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है, पैसे भी नहीं लगते। नंबर 5, ओल्ड ग्लास जार्स। जी हाँ, ये बहुत सारी चीज़ों में आता है, जैसे अचार का जार है, इसमें मैंने मसाला रखा है। आप चाहे तो इसके लिड को पेंट कर सकते हैं, और जैसे ये कॉफ़ी जार है, इन सबको आप पेंट करके यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रॉ में बता रही हूँ कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं आप रख सकते हैं, स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं, किचन के जो क्लिप्स वगैरह होते हैं वो सब रख सकते हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन जार को फेंकने से अच्छा ये सब चीज़ें आप उनमें रख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगी और आपको मिल भी जाएंगी। और ये लिड मैंने लगा दिया, और इसको कहीं भी टेबल वगैरह पर रख सकते हैं। और अगर आप लिड नहीं लगाना चाहें तो इसमें पेन वगैरह भी रख सकते हैं, जार ये काफ़ी सुंदर लगता है। और मार्केट में अगर आप इस टाइप का जार लेते हैं तो एक्सपेंसिव होगा ऑब्वियसली, बस इसके लिड को पेंट करना है। नंबर 6, ओल्ड कॉफ़ी मग्स। जी हाँ, कई बार कुछ कॉफ़ी मग्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, तो आप उसमें अपने पेन, पेंसिल, स्टेशनरी के आइटम या मेकअप का ब्रश वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो रख सकते हैं। तो उससे आपका कॉफ़ी मग यूज़ भी हो जाएगा, आपको फेंकना नहीं पड़ेगा और आपकी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ये भी बहुत सिंपल और सस्ता तरीका है चीज़ों को यूज़ करने का। उसके बाद बात आती है पेंट बकेट या कोई ओल्ड बकेट जिसका कोई लेड वगैरह हो और आपके पास स्पेस की कमी हो, तो उसमें आप बहुत तरह की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि हैंड टॉवल और डेली यूज़ के जो फैमिली के टॉवल्स हैं, बेडशीट वगैरह रख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं घर में उनके कपड़े रख सकते हैं, एक्स्ट्रा यूटेंसिल हैं उनको रख सकते हैं। इससे ये होगा कि ये गंदा भी नहीं होगा और आपका जो भी सामान है वो सुरक्षित रहेगा, और आपको एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो इसको डेकोरेट कर सकते हैं, मैं एज़ इट इज़ बता रही हूँ, या जो सीज़न से बाहर के क्लोथ होते हैं, जैसे अभी विंटर के क्लोथ आप इसमें रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत सस्ता सा जुगाड़ है, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 8, ओल्ड पिलो और कुशन कवर्स। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड पिलो और कुशन कवर को हम सोचते हैं क्या यूज़ करें, इनका बहुत तरीके से यूज़ हो सकता है। जैसे मैं इसमें हैंडबैग रख के आपको बता रही हूँ, आप इसमें अपनी जो एक्सपेंसिव साड़ियाँ होती हैं वो रख सकते हैं, और उसके अलावा बेडशीट्स वगैरह रख सकते हैं, और भी बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको स्टोर करनी है वो आप इसमें रख सकते हैं। जैसे हैंडबैग वगैरह को धूल गंदगी से बचाना हो, एक जगह रखना हो तो भी रख सकते हैं। इससे आपको कुशन कवर वगैरह फेंकना भी नहीं पड़ेगा और यूज़ हो जाएगा, क्योंकि बिना मतलब के आप रखेंगे तो आपको लगेगा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है, लेकिन आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ चीज़ यूज़ हो रही है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है। ये इस तरीके से मैंने इसमें हैंडबैग रख लिया, और जो कि मेरा हैंडबैग अब गंदा नहीं होगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। 9, ओल्ड ट्रे। जी हाँ, हम लोगों के पास बहुत सारी ओल्ड ट्रे होती है, और जैसे किचन में ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें अगर काउंटर टॉप पर रखते हैं तो सफाई में दिक्कत आती है, एक एक चीज़ को हटाना पड़ता है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास कोई पुरानी ट्रे पड़ी हो, सबके पास होती है ऑब्वियसली, खैर ये मेरी पुरानी ट्रे नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास पुरानी ट्रे हो किसी भी साइज़ की, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे किचन काउंटर टॉप पे ऑयल वगैरह के कंटेनर्स होते हैं उनको रख सकते हैं, चाय कॉफ़ी के जार्स होते हैं उनको रख सकते हैं। तो जो आप सफाई करेंगे तो एक बार में ही सबको आप हटा के सफाई कर सकते हैं। और दूसरा यूज़ मैंने ये जो ओल्ड ट्रे का किया है, ये मिक्सी स्टैंड बनाने में, तो ये कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी इस वीडियो का, कि कैसे इसको मैंने बनाया है, ताकि आप चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नंबर 10, ओल्ड प्लेट स्टैंड। आजकल हर रोज़ मार्केट में नए नए चीज़ें आ रही हैं, तो जैसे ओल्ड प्लेट स्टैंड वगैरह होता है, हमें लगता है इसका क्या यूज़ करें, तो इसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो मैं इसको यूज़ करती हूँ एज अ बुक स्टैंड, और जो मैंने इसको रखा है, ये रखा है मैंने प्लास्टिक के ड्रॉअर पे, नीलकमल के ड्रॉअर पे। तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल हार्ड सरफेस पे रखेंगे तो और अच्छी तरह से मतलब बुक्स आप रख सकते हैं,
इसमें आप स्टेशनरी आइटम्स रख सकते हैं, हैंड ये वॉलेट्स रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, इसमें भी आ जाता है, और इससे छोटा प्लेट स्टैंड है तो उसमें भी रख सकते हैं। तो जैसे इस टाइप से आप रख देंगे तो आपका प्लेट स्टैंड भी यूज़ हो जाएगा और आपकी बुक आपकी ऑर्गेनाइज रहेगी, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि बुक इधर उधर बिखरी पड़ी है, और आपको क्लीनिंग में ईजी होगा कि सीधे ये स्टैंड को सरकाया और क्लीन कर लिया। और जो रेगुलर यूज़ होने वाले वॉलेट हैं वो रख सकते हैं, इवन कि आप इसको कबर्ड के अंदर भी रख सकते हैं, इसमें वॉलेट्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये भी बहुत सस्ता और सुंदर टिकाऊ जुगाड़ है, इसमें भी आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल जहाँ पे आपको यूज़ करना है वहाँ ये ले जाके प्लेट स्टैंड रख देना है और इसको यूज़ कर सकते हैं। और बुक्स मैंने ऐसे रखी हैं जो सबके नेम ऊपर से आप पढ़ के आराम से निकाल सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा स्टैंड लगता है। इस तरीके से मेरा ये जो स्पेस है ऊपर वाला ये भी साफ़ रहता है और क्लीनिंग में भी आसान होता है मुझे। तो इस टाइप का आपके पास भी पड़ा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। नंबर 11, एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर्स। जैसे ये लिक्विड डिटर्जेंट का कंटेनर है, इस टाइप के बहुत सारे कंटेनर हमारे घरों में होते हैं, हम फेंक देते हैं, पर आप चाहें तो इन्हें बहुत आसानी से रिपर्पस कर सकते हैं। मैंने बस इसको कट किया है और स्टिकर अच्छी तरीके से नहीं उतरा है, उसकी वजह से थोड़ा सा निशान दिख रहा है। एनीवेज आप इसको डेकोरेट करके भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें आप जैसे मैं बिंदी रख के दिखा रही हूँ, आप छोटी छोटी चीज़ें पेन पेंसिल टूथब्रश बाथरूम में भी यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, जो किचन क्लीनिंग ब्रश वगैरह रखने के लिए छोटे जो प्लेट्स होते हैं वो रख सकते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं बिना एक रुपया खर्च किए हुए। तो इसको तो मैंने ऐसे रॉ दिखाया है, आप इसको कलर कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, या इसके ऊपर पेपर चिपका सकते हैं। टिप नंबर 12, मोबाइल बॉक्स। जी हाँ, हमारे पास सबके घरों में मोबाइल बॉक्स तो ज़रूर होता है, तो आप इसको एज अ ड्रॉअर डिवाइडर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एज अ बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहें इसमें पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। मैंने इसमें घड़ियाँ रखी हैं, मेरे पास 3 ही घड़ियाँ हैं, तो अगर आपके पास ज़्यादा है आप ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें आप मेकअप के ब्रश वगैरह रख सकते हैं, और छोटी मोटी जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो रख सकते हैं, और भी बहुत तरह के मेकअप के प्रोडक्ट्स आते हैं वो रख सकते हैं। इवन कि अगर आप इसे ड्रॉर में ड्रॉर डिवाइडर की तरह यूज़ करते हैं तो आप इसमें इनर वियर वगैरह भी रख सकते हैं, जो कि संभली रहेंगी, इधर उधर नहीं घूमेंगी। और आप चाहें तो इसको, मैं दूसरे तरीके से बता रही हूँ, बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। और जैसे ये इस टाइप की बोतल की लिड्स होती हैं, ये नारियल पानी का बॉटल का ढक्कन है, इसको मैंने बहुत दिनों से इकट्ठा कर रखा है, और यही DIY वगैरह के लिए। तो इसको आप इसके बेस में चिपका लें, मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, नहीं भी चिपकाएंगे तो भी चल जाएगा, वैसे चिपका लेंगे तो बेटर रहेगा। इससे स्मॉल पार्टीशंस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद जो आपके जो छोटी छोटी एक्सेसरीज़ हैं आप इसमें रख सकते हैं, जैसे रिंग हो गया, ईयर रिंग हो गया, और नोज़ पिन, और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आप रख सकते हैं, जिससे कि चीज़ें इंटरमिक्स नहीं होंगी, आपको जो चाहिए होगा आपको ईजिली मिल जाएगा। जैसे मैंने इसमें गोल्ड भी रखा है, आर्टिफिशियल भी रखा है, लेकिन कोई एक दूसरे से नहीं टकराएगा, और जब जो मुझे चाहिए होगा वो मुझे ईजिली मिल जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो इस टाइप की जो छोटी बॉटल है उसको नीचे से काट के भी आप डिवाइडर इसका बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ी हाइट ज़्यादा चाहिए। टिप नंबर 13, ओल्ड फ़ोटो एल्बम्स। जी हाँ, सबके घरों में पुरानी फ़ोटो एल्बम्स होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग डिजिटल फ़ोटो रखते हैं आजकल। तो मेरे पास तो खैर ये एल्बम में फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैं निकाल के आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बिंदी है, खैर मेरे पास बहुत ज़्यादा बिंदी नहीं है, मेरे पास यही थोड़ी बहुत है, ये भी मैंने इसलिए ख़रीदी थी वीडियो बनाने के लिए, बाकी एक या दो पत्ता होता है मेरे पास, तो ये पहले ही ख़रीदी थी एक्चुअली। तो इस टाइप से आप जो भी आपकी बिंदी है उसको फ़ोटो एल्बम में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको सारी बिंदी विजिबल होगी, और जब आपको चाहिए होगा आपको मिल जाएगा, और सारा आप एक साथ रख सकते हैं। इससे छोटे फ़ोटो एल्बम्स भी आते हैं, खैर वो आपको मुझे लगता है 15-20 रुपये, 25-30 रुपये में छोटे फ़ोटो एल्बम्स मिल जाएंगे, तो आप उसे ख़रीद के भी बिंदी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, नहीं तो पुराना घर में पड़ा हो तो उसको भी बना सकते हैं। और इसमें आप अपने छोटे मोटे डॉक्यूमेंट जो घर में, जैसे बच्चों के आई कार्ड या कुछ इस टाइप की डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो रख सकते हैं, जो भी चीज़ इस साइज़ की आपको लगती है वो रख सकते हैं। खैर बहुत सारे लोगों के पास बहुत तरह की बिंदी होती है, तो उनको लगता है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करें, हर एक बिंदी दिख नहीं रही है,
तो इससे आपको सारी बिंदी आराम से दिख भी जाएगी और आपको जब जो चाहिए होगा आराम से निकाल सकते हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें जब कहीं तैयार होना होता है हमें मिल ही नहीं रहा होता क्या यूज़ करें। खैर मेरे पास ऑलमोस्ट सेम है, तो ये एल्बम का भी मुझे ये यूज़ बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा बिंदी अगर मैं रखती या मैं अगर अलग अलग तरह की बिंदी लगाती तो मैं ज़रूर यूज़ करती। तो अगर आपके पास ज़्यादा बिंदी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको कौन सी चीज़ का यूज़ अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, आपको लगता है कि ये यूज़फुल हो सकता है, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं। और आप चाहें तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।